श्रीनगर के मनोहरगंज मोहाल में स्थित 45 वर्ष से भी अधिक पुराने कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 145 नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी भी जर्जर विद्यालय भवन गिरने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापिका चंपा देवी ने ABSA कबरई को पत्र लिखकर छात्र हित को देखते हुए जल्द पुराने विद्यालय को ध्वस्त करके नया विद्यालय भवन बनाए जाने की मांग की है, जिससे कि अध्यापन कर रहे छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ब्यूरो चीफ रमेंद्र प्रताप सिंह के साथ श्रीनगर से आशीष सोनी की रिपोर्ट। लगातार हो रही मानसून बारिश से नगर में कई मुख्य सड़कों पर गड्ढा होने से चार पहिया बड़े वाहनों का निकलना बंद हो गया। बरसात में खराब हो चुकी सड़कों की वजह से नगर वासियों को खराब सड़कों से पैदल निकलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हटवारा सभासद माधवेंद्र सिंह ने EO अवधेश कुमार को ज्ञापन देकर बताया कि हटवारा वार्ड में स्थित मुख्य सड़क का हिस्सा बारिश में टूटने से राम कुमार तिवारी के मकान के पास विशाल गड्ढा बन गया। फिलहाल इस मामले में EO अवधेश कुमार ने गड्ढों को जल्द सही कराने की बात कही है। महोबा से जनसंदेश टाइम्स के लिए ब्यूरो चीफ रामेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कानपुर सागर हाईवे पर कस्बा श्रीनगर छतरपुर रोड पर पेट्रोल पंप के सामने अचानक अन्ना गोवंश के सामने आने पर मैनपुरी से सिवनी आलू लेकर जा रहा ट्रक गाय को बचाने के चक्कर में पलट गया और खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रक चालक को गंभीर चोटें नहीं आई। इस घटना में किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। कोई चोटें नहीं आई हैं। महोबा से जनसंदेश टाइम्स के लिए ब्यूरो चीफ रामेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी महोबा के जिलाध्यक्ष एवं बांदा हमीरपुर विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सिंगर ने आज विधान परिषद के नियम 115 के अंतर्गत सदन में अपनी बात रखते हुए चित्रकूट धाम मंडल के जिला महोबा हमीरपुर बांदा चित्रकूट के किसानों की मूंग उड़द तिल एवं मूंगफली आदि फसलों की अतिवृष्टि से हुई 90% से अधिक फसल नुकसान की भरपाई हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। वहीं हमीरपुर महोबा बांदा चित्रकूट के किसान ने विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सिंगर का आभार व्यक्त किया और खुशी जताई है। महोबा से जनसंदेश टाइम्स के लिए ब्यूरो चीफ रामेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।